दोस्तों, मेरा नाम अल्पना है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम 1 लीटर दूध से आसानी से बिल्कुल बाजार जैसी रसमलाई बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। छेना बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध में उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है, गैस ऑफ कर देंगे। इसमें आधा कप ठंडा पानी डालेंगे ताकि दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए। छेना बनाने के लिए 2 चम्मच विनेगर में 2 चम्मच पानी मिलाया है। इसे थोड़ा थोड़ा दूध में मिक्स करते हुए दूध को फाड़ लेंगे। छेना सेपरेट हो गया है। अब इस तरीके से छेना को हम सूती कपड़े में छान लेंगे। छेना को ठंडे पानी से अच्छे से 2-3 बार धो लेंगे ताकि विनेगर अच्छे से निकल जाए। छेना के एक्सेस पानी को हल्के हाथों से हम निचोड़ लेंगे और इसे 1 घंटे ऐसे ही किसी चीज़ पर लटका कर छोड़ देंगे ताकि इसका एक्सेस वाटर जो है पूरा निकल जाए। दूसरे पैन में 1.5 गिलास दूध लेंगे। दूध को हमें तब तक उबालना है जब तक वो हल्का गाढ़ा ना हो जाए। इलायची पाउडर ऐड करेंगे, दूध को चलाते हुए ही पकाएंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे। दूध रेडी हो गया है, हमें यही कंसिस्टेंसी में चाहिए। गैस ऑफ कर देंगे। छेना भी रेडी हो गया है, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। छेना में हल्का मॉइस्चर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से मैं दिखाती हूँ। नहीं, छेना को हथेली से एकदम चिकना कर लेंगे। इसमें 2 से 3 मिनट का समय लगता है। छेना का एकदम स्मूथ चिकना डो बन करके तैयार है। शुगर सिरप बनाने के लिए मैं यहाँ नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, उसमें 4 कप पानी डालेंगे। इसका रेशियो यही रहेगा, 1 कप चीनी में 4 कप पानी। शुगर सिरप को बॉयल होने के लिए रख देंगे। छेना को हम इक्वल पोर्शन में बांट लेंगे। छेना को हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए इस तरीके से, पेड़ों में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर पेड़ों में क्रैक्स रहेंगे तो वो शुगर सिरप में जाते ही फट जाएंगे।
एक लीटर दूध में 9 पेड़े बनकर तैयार हैं। शुगर सिरप में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें 2 चम्मच दूध डालूंगी। शुगर सिरप अच्छे से बॉयल हो रहा है, अब इसमें एक एक करके पेड़े ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए कि शुगर सिरप में उबाल हमेशा बनी रहे, इसीलिए एक एक करके धीरे धीरे हम पेड़ों को ऐड करेंगे। कढ़ाई के लिड लगाकर हमें इसे 10 मिनट तक कुक करना है। रसमलाई को हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे। बीच बीच में इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं, लेकिन लिड नहीं खोलना है। रस मलाई को कुक करते हुए 7 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं ये अपने साइज से डबल हो गई है। रस मलाई हमारी रेडी है, गैस को ऑफ कर देते हैं। 5 से 7 मिनट हम रस मलाई को रेस्ट होने देते हैं, हम लिड ओपन नहीं करेंगे अभी। मुझे 10 मिनट हो गया है, अब लिड ओपन करके देख लूंगी। रसमलाई रेडी है, इसे ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी स्पंजी बनी है। रस मलाई को हाथों से प्रेस करते हुए हम उसका पानी निकाल लेंगे और एक बोल में रख लेंगे। अब इसमें दूध डालेंगे, गार्निश करके सर्व करेंगे। रस मलाई बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।